हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक HEIA एंड LEISA के बारे में। HEIA stands फॉर हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इस टॉपिक को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि 1960 से पहले, या फिर हम बात करें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थी, पर उससे क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिलता था, जिससे हमारी कंट्री जो है वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, जिससे कि उसे अदर कंट्रीज से फूड को इंपोर्ट करना पड़ता था अपनी कंट्री में, एंड जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता था या बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट आती थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आई तो उसका मेन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो चेंजेस किए गए वो क्या थे कि हाई जो इनपुट्स हैं उनको यूज़ किया जाए, जैसे कि पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो हैं उनको यूज़ किया जाए। तो HEIA जो है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एग्रीकल्चर से संबंधित है। जो टेक्नोलॉजीज़ वहाँ यूज़ की गई थी, मेनली हम बोल सकते हैं कि वही HEIA है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में हम एक्सटर्नल इनपुट्स को हाई कर रहे हैं। और वो एक्सटर्नल इनपुट्स क्या हो सकते हैं? वो किसी सीड के फॉर्म में हो सकते हैं, या पेस्टिसाइड हो सकते हैं, वीडिसाइड हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, जो भी एक्सटर्नल इनपुट्स हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं वो सारे हो सकते हैं। पर उसका मेन इफेक्ट जो पड़ा वो सोइल की फर्टिलिटी के ऊपर पड़ा, कि सोइल की फर्टिलिटी जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को कितने सारे हार्म हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए एक LEISA को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि संबंधित है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, यानी कि एक्सटर्नल इनपुट्स को कम करके हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं हो, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज नहीं हो। तो जहाँ पर HEIA की जाती है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ पे अचानक से LEISA को अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सोइल है वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर अगर एक बार उस पर्टिकुलर सोइल को अगर फर्टिलाइजर्स की हैबिट हो गई है, तो अगर अचानक से हमने फर्टिलाइज़र वगैरह या एक्सटर्नल इनपुट्स को देना बंद कर दिया, तो उसका प्रोडक्शन जो है वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाएगा। आफ्टर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, पर उसमें टाइम लगेगा। इससे हम क्या है, फिर से अपनी फूड सिक्योरिटी को खो सकते हैं। पर हम HEIA के ऊपर भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, एनवायरमेंटल लॉसेस हो रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना है, हमें एग्रीकल्चर में एक्सटर्नल इनपुट्स को कम करना है। अब हम बात करेंगे हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या है। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर आर टेक्नोलॉजीज, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक्सटर्नल इनपुट, जैसे कि वो इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, या फिर वो पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, या वीडिसाइड्स हो सकते हैं, या फिर इरीगेशन फैसिलिटी, या हम बोल सकते हैं कि वाटर का मैनेजमेंट, जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर यूज़ करते हैं ताकि उनके प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये हुआ हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। सिंपल सा मीनिंग है, एग्रीकल्चर में एक्सटर्नल इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देना। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इससे प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो इनकम जनरेट होगी, यानी कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो मार्केट फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोडक्शन में, जो मार्केट फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है, उनका भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा HEIA जो है उसमें हम मैकेनाइजेशन को भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम मैकेनाइजेशन को यूज़ करते हैं तो लेबर की हमें रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, तो मैकेनाइजेशन लेबर की जो शॉर्टेज है उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। न्यू वेराइटीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैच्योर हो जाती है, जिससे हम, या फार्मर जो है वो एक सीज़न, एक ईयर में 3 क्रॉप्स इजीली ले सकता है, रबी, खरीफ एंड जायद। पर अगर हमारे पास न्यू इम्प्रूव वेराइटीज़ या कम टाइम पीरियड में जो मैच्योर हो जाती हैं वो वेराइटीज़ नहीं हैं, तो फार्मर जो है वो जनरली एक ईयर में सिर्फ 2 ही क्रॉप्स को ले पाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, HEIA का हम यूज़ करेंगे तो ये फूड की जो डिमांड है उसको पूरा कर देता है, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा मेन जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था कि मैकेनाइजेशन इसमें ज़्यादा होगा HEIA में, तो मैकेनाइजेशन के कारण क्या होगा, सोइल का इरोजन होगा।
सोइल इरोजन एक मेजर डिसएडवांटेज है इसका HEIA का। इसके अलावा हम जब पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो हम नेचुरल एनिमीज को किल कर रहे हैं। पेस्ट और इंसेक्ट तो हमारे किल हो रहे हैं, पर जो नेचुरल एनिमीज हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, वो भी हमारे उनकी भी डेथ हो जाती है साथ में। तो ये एनवायरमेंट के लिए और हमारी क्रॉप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल एग्रोकेमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से सोइल का पीएच और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सोइल स्ट्रक्चर, सोइल टेक्सचर, ये सब जो हैं ये एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। सोइल की पीएच ऊपर नीचे होती रहती है जिससे कि क्रॉप को लॉस होता है या प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। इसके अलावा सोइल की पीएच ऊपर नीचे होने से सोइल में उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही अपनी ग्रोथ सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर LEISA के बारे में। लो एक्सटर्नल इनपुट का मतलब है एक्सटर्नल इनपुट्स को कम करो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करो। अब HEIA के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो जो HEIA है उसकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो हाईली एक्सटर्नल इनपुट्स जैसे कि केमिकल इनपुट्स के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं। ये एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसमें सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे फोकस किया जाता है, ना कि किसी भी पर्टिकुलर सोइल की फर्टिलिटी या एनवायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है। इसका जो मेन एम है वो सिर्फ है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। HEIA के अंदर सोइल की क्वालिटी जो है वो डिट्रियोरेट हो जाती है। पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट जो हैं वो डे बाय डे अगर उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है तो वो ससेप्टेबल हो जाते हैं किसी भी पैथोजन के अटैक के लिए। इसके अलावा HEIA जो है वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि उससे उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इसके अलावा HEIA का यूज़ करके हम इंडिजीनियस टेक्निकल जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है, उसको हम खो रहे हैं। इंडिजीनियस नॉलेज जिसे IT के हम बोलते हैं, उसका यूज़ करके हम बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल इनपुट्स को ही यूज़ करेंगे तो इंडिजीनियस नॉलेज जो है वो कम होता जाएगा एग्रीकल्चर में। इसके अलावा अगर हम बात करें LEISA के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ जो है वो LEISA जो है वो मेंटेन करता है। इसके अलावा फार्मिंग सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है और एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, एनवायरमेंट को प्रॉफिट हो, इसके बारे में ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो LEISA जो है उसका जो मेन वर्क, जो मेन फोकस है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस होता है, जबकि HEIA जो है उसका मेन जो फोकस रहता है वो रहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है और ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस दोनों के एंड डिसएडवांटेजेस हैं।